तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि स्फेरिकल लेंसेज जो है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, इससे जो इमेज बनता है वो इमेज किस तरह का बनता है। तो सबसे पहले हम एक केस कंसीडर करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, कि जब कॉन्वेक्स लेंस होता है और उस कॉन्वेक्स लेंस से अगर हम कोई छोटी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो जो छोटा ऑब्जेक्ट होता है वो हमें काफी बड़ा दिखाई देता है, रिलेटिवली बड़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम कंसीडर करते हैं, ये जो है ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये जो बीच में है ये उभरा हुआ होता है और साइड में ये दबा हुआ होता है, पतला होता है। तो जब जब लाइट या किसी ऑब्जेक्ट को जब हम इस लेंस के आसपास रखते हैं तो उससे जो लाइट निकलता है वो लाइट इस तरह से रिफ्रैक्टेड होता है कि ओपोजिट साइड से जब इसे देखा जाता है तो ये हमें काफी बड़ा दिखता है। तो इसका इमेज जो है काफी बड़ा फॉर्म होता है जब ऑब्जेक्ट को इस लेंस के बहुत करीब रखा जाता है। और इस तरह का जो इमेज है, जिसे कि स्क्रीन में हम इंसिडेंट नहीं करवा सकते हैं, स्क्रीन में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि ओपोजिट साइड से इसे हम देख सकते हैं, इस तरह के इमेजेस को वर्चुअल इमेज कहा जाता है। थोड़ी देर में हम लोग काफी डिटेल्स में बात करेंगे कि यहां पर रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है और इमेज किस तरह से जो फॉर्म करता है, किस तरह से हम उसे पता करें, थोड़ी देर में हम इस पे बात करेंगे। अब ये तो कॉन्वेक्स लेंस था, इसी तरह से अगर आप कॉनकेव लेंस का एग्जाम्पल ले तो उससे जब किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है तो वो हमें काफी छोटा दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है ये भी चलिए देख लेते हैं। ये एक कॉनकेव लेंस है, बीच में देखिए दबा हुआ है और साइड में ये काफी चौड़ा है, ये कॉनकेव लेंस है। तो जब इसके आसपास किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो लाइट इससे निकलकर कुछ इस तरह से लेंस में रिफ्रैक्ट करता है कि ऑपोजिट साइड से अगर देखा जाता है तो ये ऑब्जेक्ट हमें काफी छोटा दिखता है। यहां पर भी ये जो इमेज है, इमेज फॉर्म कर रहा है, ये इमेज भी वर्चुअल इमेज है, लेकिन लेंसेज से हमेशा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल ही होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि यहां पर आप एक एग्जाम्पल देखें, यहां पर कैंडल का जो ये लाइट है, इसको हम ऑपोजिट साइड में इस स्क्रीन में हम इंसिडेंट करवा सकते हैं, प्रोजेक्ट करवा सकते हैं। इससे निकला हुआ जो लाइट है इस लेंस से, यहां पर ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट करने के बाद उसका इमेज पीछे यहां पर बन रहा है, उस जगह पे जब स्क्रीन को रखा जाता है तो उसका इमेज, प्रॉपर इमेज यहां पर बन रहा है। आप यहां गौर से देख सकते हैं इसका इमेज यहां पर बन रहा है। तो इस तरह का इमेज जिसे कि हम किसी स्क्रीन में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन से हम इसे देख सकते हैं, इस तरह के इमेजेस को रियल इमेज कहा जाता है। चलिए रियल इमेज कब बनता है, वर्चुअल इमेज कब बनता है, इमेज जो बनता है उसे हम किस तरह से पता करेंगे, वो कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस पे हम लोग अभी थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है लेंसेज के साथ रिलेटेड, उन बेसिक चीजों के बारे में थोड़ा बहुत हम बात कर लेंगे, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में इस पे बात किया था, चलिए थोड़ा बहुत रिविजन हो जाएगा। तो यहां पर जो लेंस आपको दिख रहा है ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉनकेव लेंस। तो लेंस का जो सेंटर होता है, बिल्कुल बीच वाला पार्ट जो होता है, इसे ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब ये जो लेंस दो स्फेरिकल बॉडी से बना हुआ है, ये जो साइड है, ये जो सरफेस है, इसे अगर आप इस तरह से प्रोपगेट करें तो आपको एक स्फेयर मिलेगा, उस स्फेयर का एक सेंटर होगा। उसी तरह से ये वाला जो साइड है ये भी किसी स्फेयर का पार्ट है, तो इसे भी इस तरह से आप अगर प्रोपगेट करें तो आपको एक स्फेयर मिलेगा, उसका भी एक सेंटर होगा। तो उन सेंटर्स को सेंटर ऑफ कार्वेचर कहा जाता है। सेंटर ऑफ कार्वेचर्स को मिलाता हुआ जो स्ट्रेट लाइन है, जो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, इसे इसका प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। अब देखिए, अगर लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्टेड होने के बाद वो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करता है ऑपोजिट साइड में, इस पॉइंट को इसका प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। उसी तरह से अगर आप कॉनकेव लेंस को देखें तो इस लेंस का जो सेंट्रल पार्ट है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो है, इसे इसका ऑप्टिकल सेंटर कहा जाएगा। ये जो स्फेयर है, ये स्फेयर और ये स्फेयर, उन दोनों के सेंटर्स को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा।
सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को मिलाता हुआ स्ट्रेट लाइन जो है इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज यहां प्रोपगेट करता है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्ज करता है, बाहर की तरफ निकलता है, कुछ इस तरह से डाइवर्ज करता है मानो लगता है कि सारे रेज किसी एक पॉइंट से निकला हो, उस पॉइंट को इस कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। यहां पर देखिए लेंसेज जो है इसका प्रिंसिपल फोकस एक नहीं होता है बल्कि दो फोकाई होता है। आप इस एग्जांपल को कंसीडर करें, कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर लाइट अपोजिट साइड से आए तो भी हमें एक पॉइंट मिलेगा जहां पर लाइट कन्वर्ज कर रहा है, यह भी इसका प्रिंसिपल फोकस है, यह भी इसका प्रिंसिपल फोकस है, यह भी इसका प्रिंसिपल फोकस है। सिमिलरली कॉन्केव लेंस के केस में भी हमें एक और प्रिंसिपल फोकस मिलेगा, वो मिलेगा यहां पर, यह भी इसका प्रिंसिपल फोकस है और यह भी इसका प्रिंसिपल फोकस है। तो अब आप किताबों में जो देखेंगे इस तरह के लेंसेज से जो लाइट रिफ्रैक्ट करेगा, आप अपने किताबों में ये देखेंगे कि वो कुछ इस तरह का ड्रॉ किया हुआ रहता है। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ ड्रॉ करने में, इस इमेज को बनाने में या ड्रॉ करने में सिर्फ फर्क है, बाकी किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये ड्रॉ करना आसान होता है इसीलिए किताबों में इस तरह से ड्रॉ किया हुआ रहता है। कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करना होता है, अगर आप उन बेसिक रूल्स को फॉलो करें तो आप चाहे ऐसे ड्रॉ करें या फिर ऐसे ड्रॉ करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किताबों में इस तरह का फिगर आप देखेंगे। अब वो जो बेसिक रूल्स है, वो सारे बेसिक रूल्स किस तरह का है, चलिए अभी उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो फिर रिफ्रैक्ट करने के बाद या लेंस से पार होने के बाद वो उसके प्रिंसिपल फोकस से पार होता है। सिमिलरली कॉनकेव लेंस के केस में अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्रोपगेट कर रहा है तो लेंस में रिफ्रैक्ट करने के बाद या लेंस से पार होने के बाद वो बाहर की तरफ निकलता है, कुछ इस तरह से निकलता है मानो कि वो जो इसका फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, वहां से निकला हुआ हो, ऐसा लगता है। ये तो पहला नियम है। अब इसी का उल्टा देखें आप, अगर कोई लाइट रे रिफ्रैक्शन से पहले, लेंस में रिफ्रैक्शन से पहले अगर वो प्रिंसिपल फोकस से पार होता हो तो रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से पार होने के बाद वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। सिमिलरली कॉनकेव लेंस के केस में अगर कोई लाइट रे इस तरह से प्रोपगेट करता हो, रिफ्रैक्शन से पहले इस तरह से प्रोपगेट करता हो कि मानो वो उसके प्रिंसिपल फोकस से पार होगा, ऑपोजिट साइड में प्रिंसिपल फोकस से पार होगा, तो फिर रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ये दूसरा नियम है। अब तीसरा नियम देखें कि लाइट रे अगर लेंस से कुछ इस तरह से पार करे कि वो ऑप्टिकल सेंटर होते हुए पार हो, दोनों ही केसेस में अगर ऑप्टिकल सेंटर होते हुए कोई लाइट रे पास हो तो फिर वो डेविएट नहीं करता है। यहां डेविएशन का मतलब एंगुलर डेविएशन है, जैसे कि लाइट इस तरह से जा रहा है और अगर वो कुछ एंगल टेढ़ा हो जाए, थोड़ा एंगल बना ले, वो इस पाथ में प्रोपगेट करता, थोड़ा उसने एंगल चेंज कर लिया या डायरेक्शन चेंज कर लिया, ये थीटा एंगल चेंज कर लिया, तो हम ये कहेंगे कि इसका हुआ है डेविएशन, बेसिकली एंगुलर डेविएशन हुआ है। तो इस तरह का डेविएशन नहीं होता है जब ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे पार करता है, किसी भी लेंस का डेविएशन नहीं होता है। यहां थोड़ा आपको फोकस करने की जरूरत है, थोड़ा जानने की जरूरत है कि डेविएशन नहीं होता है इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है और ऐसा क्यों होता है। इसके लिए हम इस कॉन्वेक्स लेंस को एनलार्ज करके देख लेते हैं। एक लाइट रे इस तरह से आया, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन तो होगा, रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन यहां पर कोई एंगुलर डेविएशन नहीं हुआ निकलते हुए। लाइट इस तरह से आया, एक बार यहां पर इंसिडेंट किया, फिर ग्लास के अंदर गया या लेंस के अंदर गया, लेंस हो सकता है ग्लास से न बना हुआ हो, जिस भी मटेरियल से बना हुआ हो, वहां उसके अंदर गया, लेंस के अंदर गया, फिर इस तरह से ये यहां से इंसिडेंट किया और यहां से ये इस तरह से बाहर निकल गया, इमर्ज कर गया। यहां पर आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज पाएंगे, जैसे कि अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से देखें, ये लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पार हो रहा, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप देखें तो आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इक्वल डिस्टेंस में दिखेगा और इक्वल एंगल में दिखेगा, होना ही है, आइडेंटिकल होगा। अब देखें यहां पर मतलब ये बनेगा कि ये दो पॉइंट्स जो है, ये दो पॉइंट्स भले ही ऑपोजिट डायरेक्शन में हो लेकिन आइडेंटिकल होगा, यहां से अगर देखा जाए तो आइडेंटिकल दिखेगा, ये रीजन और ये रीजन आइडेंटिकल दिखेगा।
तो फिर यहां पर ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इन दोनों पॉइंट्स पे अगर हम लेंस पे नॉर्मल ड्रॉ, माफ कीजिएगा, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो फिर वो दो टेंजेंट्स जो है एक दूसरे का पैरेलल होगा। अब इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो नॉर्मल भी एक दूसरे पे पैरेलल होगा। अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां लेंस के बदले हम यहां पर एक ग्लास स्लैब कंसीडर कर लेते हैं। ऐसा ग्लास स्लैब कि उसका ये जो साइड है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये जो साइड है ये इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा लेंस पे, और ये जो साइड है ये इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा इस लेंस के। तो फिर जो नॉर्मल होगा इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स पे, जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल ऑब्वियसली यही रह जाएगा, सेम नॉर्मल रह जाएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हुए आप देखें ग्लास स्लैब में ये रिफ्रैक्शन जैसा दिख रहा हमें। पिछले एक वीडियो में हमने ग्लास स्लैब के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, उस पर बात किया था। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने क्या देखा था, वहां पर हमने देखा था कि अगर कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो, उसमें लाइट इंसिडेंट करे, फिर रिफ्रैक्ट करने के बाद जब इमर्ज करता है, तो उन दोनों इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच कोई एंगुलर डेविएशन नहीं होता है, बल्कि वो दोनों एक दूसरे पे पैरेलल हो जाता है। तो एक दूसरे के साथ पैरेलल होता है, भले ही यहां पर एक लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो, इन दोनों के बीच एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, लेकिन कोई एंगुलर डेविएशन नहीं होता, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल रह जाता है। तो अब वापस आते हैं लेंस पे। सो इस लेंस पे हम वापस आ गए। अब देखें यहां पर जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है, कोई एंगुलर डेविएशन नहीं है। हां, भले ही दोनों के बीच एक लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो, लेकिन कोई एंगुलर डेविएशन नहीं है। और जब लेंस बहुत 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 पतला होता है, उस केस में इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसे कि हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट बहुत बहुत कम हो जाता है। किसके लिए? थिन लेंसेज के लिए। और जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जो भी हम चीजें इमेज फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, वो सारे थिन लेंसेज के लिए होता है, जिसमें कि ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो है ये बहुत कम होता है, एंगुलर डेविएशन तो होता ही नहीं है। वो लेंस चाहे कितना भी मोटा हो, एंगुलर डेविएशन नहीं होगा। सो एंगुलर डेविएशन नहीं होगा और लैटरल डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होता है थिन लेंस के लिए, तो नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जब कोई लाइट रे जब इसके ऑप्टिकल सेंटर से पार होता हो, तो उस समय उसका कोई डेविएशन नहीं होता है, इवन हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट को भी कंसिडर नहीं करते हैं। तो अब देखें, ये इसका फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, ये भी इसका प्रिंसिपल फोकस है। हम दो पॉइंट्स और कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा कि ऑप्टिकल सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस का, यहां से इस पॉइंट से प्रिंसिपल फोकस का उतना ही डिस्टेंस है, मतलब इस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस है वो डबल है, फोकल लेंथ का डबल है। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का, प्रिंसिपल फोकस तक का, इस डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। मतलब ये जो पॉइंट है जिसे कि 2F1 से इंडिकेट किया गया, ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर से ठीक उसके दुगुना डिस्टेंस दूर है, इसीलिए इसे 2F1 लिखा गया। सिमिलरली यहां पर भी ये इसका फोकल लेंथ है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस उसका दुगुना है, इसीलिए यहां पर 2F2 लिखा गया है। ये F1 है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये भी प्रिंसिपल फोकस है, F1 और F2 दोनों। अब देखें हम यहां पर क्या करेंगे कि किसी खास जगह पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और हम ये पता करेंगे कि उसका इमेज कहां पर बनेगा, इमेज का साइज कैसा होगा, वो बड़ा होगा या छोटा होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा या छोटा होगा, और उसका नेचर कैसा होगा, वो रियल होगा, वर्चुअल होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, कैसा होगा, वो हम पता कर सकते हैं। जो तीन नियम हमने थोड़ी देर पहले देखा था, उन तीन नियमों को अगर हम फॉलो करें तो इससे बड़े आसानी से हम पता कर सकते हैं कि इमेज का पोजीशन कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, नेचर कैसा होगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर में। तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर होगा, मतलब बहुत 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 दूर अगर ऑब्जेक्ट रहे, तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट से निकला हुआ लाइट रेज चाहे किसी भी पॉइंट से निकले, सपोज यहां पर लेंस है, ये एक लेंस है, और हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहां पर अगर रखें, तो आप गौर करें, इस पॉइंट से निकला हुआ लाइट रे
यहां से अगर पार हो और इस पॉइंट से निकला हुआ लाइट रे अगर यहां से पार हो, तो ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल नहीं होगा। ये क्लियरली दिख रहा है एक दूसरे का पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, लेट्स से दिस इज ऑब्जेक्ट और यहां पर लेंस है, तो आप ये पाएंगे कि अगर मान ले इस पॉइंट से पार हो रहा कोई लाइट रे ऐसे इस तरह से पार हो रहा है और यहां से पार हो रहा है, यहां से अगर पार हो एक दूसरे पॉइंट से निकला हुआ लाइट रे अगर इस तरह से पार हो, तो वो आपको पैरेलल जैसा ही दिखेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बहुत बहुत दूर है। जितना जितना दूर रहेगा इससे निकला हुआ जो लाइट रे है लेंस तक पहुंचते पहुंचते ये पैरेलल लाइट रे रहेगा। एक दूसरे तरीके से आप इस चीज को देख सकते हैं या समझ सकते हैं एक दूसरे तरीके से, वो ये है कि सपोज यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से निकला हुआ लाइट रेज अगर आप देखें, जैसे कि इस पॉइंट से निकला हुआ लाइट रेज ये इस तरह से निकलेगा, अगर यहां पर लेंस रहे सामने लेंस रहे तो आप देखें एक ही पॉइंट से निकला हुआ लाइट रेज डाइवर्जिंग हमें दिख रहा है, इस तरह से लेंस में पहुंचते हुए डाइवर्जिंग है। लेकिन अगर हम इस लेंस को थोड़ा दूर रखते हैं, इस लेंस को काफी दूर रखे, लेट्स से यहां पर हम लेंस को रखें, तो फिर दो बहुत ही क्लोज लाइट रेज ही यहां लेंस तक पहुंच सकता है। बहुत बहुत क्लोज लाइट रेज, बहुत करीब रहेगा तभी वो लेंस तक पहुंचेगा, बाकी लाइट रेज लेंस तक पहुंचेगा ही नहीं। ये तो लेंस में पहुंचेगा ही नहीं, ये भी लेंस में नहीं पहुंचेगा, उससे नीचे से पार हो जाएगा, ये ऊपर से पार हो जाएगा। तो जो लाइट रेज बहुत ही क्लोज, जिनके बीच एंगल बहुत कम है, वही लाइट रेज लेंस तक पहुंच सकता है बशर्ते लेंस बहुत बहुत दूर है। यही तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है, मतलब बहुत बहुत दूर है। इसीलिए जो लाइट रेज लेंस तक पहुंच रहा है आप गौर करें, वो लाइट रेज एक दूसरे का लगभग लगभग पैरेलल होगा। जितना दूर होगा ऑब्जेक्ट ये उतना ज्यादा एक दूसरे का पैरेलल होगा लेंस तक पहुंचने वाला लाइट रेज। तो उसी लॉजिक से अगर देखा जाए तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर रहेगा तो वहां से निकला हुआ लाइट रेज चाहे किसी भी पॉइंट से निकले वो सारे लाइट रेज एक दूसरे का पैरेलल होगा। तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, सारे लाइट रेज जो है ये इसके प्रिंसिपल फोकस में जाके वो मर्ज कर जाएगा या प्रिंसिपल फोकस में जाके वो कन्वर्ज कर जाएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर रहे तो इमेज कहां पर बनेगा, इमेज इस जगह पे बनेगा और उस इमेज को हम कहेंगे वो F2 में बन रहा है, मतलब प्रिंसिपल फोकस में बन रहा है। ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो उससे निकला हुआ हर एक पॉइंट से निकला हुआ सारे लाइट रेज अगर इसी पॉइंट में कन्वर्ज करेगा, मतलब पूरा का पूरा इमेज जो है ऑब्जेक्ट का इमेज वो इसी पॉइंट में बन रहा है, इसीलिए इमेज का साइज जो होगा ये पॉइंट साइज्ड होगा, बहुत छोटा होगा। और नेचर ऑफ इमेज, इसे हम स्क्रीन अगर यहां पर रखें तो स्क्रीन में हम उसे इंसिडेंट करवा सकते हैं, जैसे कि अगर आप एक लेंस से सनलाइट, अगर यहां पर एक स्क्रीन आप रखें, कोई कागज रखें और सनलाइट को अगर आप कन्वर्ज कराएं इस कागज में, तो आप ये पाएंगे कि कन्वर्ज करने के बाद या रिफ्रैक्ट करने के बाद ये एक छोटे से जगह पे वो यहां पर हमें दिखता है, फिर थोड़ी देर बाद कागज जल उठता है। पिछले वीडियो में हमने इस पे डिस्कस किया था, डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा था। तो यहां क्या हो रहा, पूरा सन से निकला हुआ जितना भी लाइट पूरे लेंस में इंसिडेंट कर रहा है रिफ्रैक्शन के बाद वो एक पॉइंट में जाके कन्वर्ज कर रहा है। तो यहां पर ये जो पॉइंट में इमेज बन रहा है इस इमेज को हम रियल इमेज कहेंगे क्योंकि उसे स्क्रीन में हम प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं। यहां पर ये अगर स्क्रीन है तो स्क्रीन में ये प्रोजेक्ट हम कर पा रहे हैं। तो ये इमेज जो है इसका नेचर क्या होगा, रियल होगा और इसका साइज होगा पॉइंट साइज्ड। अब हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसे कि हमने इसका 2F1 जो पॉइंट है उससे दूर रखा है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर देखें तो ये 2F1 से भी दूर है। तो ऐसे स्थिति में हमें यह पता करना होगा कि इसका इमेज कहां पर बनेगा। इसे पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर तीन पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं, इसी ऑब्जेक्ट का तीन पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, एक को रेड कलर के डॉट से, एक को ग्रीन और एक को येलो कलर के डॉट से हमने रिप्रेजेंट किया। अब हम देखेंगे इस पॉइंट से निकला हुआ लाइट रेज कहां पर जाके कन्वर्ज कर रहा है, तो वहीं पर इसका इमेज बनेगा, इस पॉइंट का वहां पर इमेज बनेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइट रे कंसीडर करेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। हमें पता है ऐसे सिचुएशन में रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पार होगा। अब दूसरा लाइट रे कंसीडर करेंगे इसी पॉइंट से निकला हुआ जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पार हो, तो वो अनडेविएटेड पार हो जाएगा, सीधा पार हो जाएगा।
इसका मतलब ये जो रेड डॉट हमें यहां पर दिख रहा है, इसका जो इमेज बनेगा, इसका इमेज इस जगह पे बनेगा जहां पर दोनों मर्ज किया है, यहां पर उसका इमेज बनेगा। सिमिलरली अगर इस ग्रीन डॉट को आप देखें तो इसका जो इमेज बनेगा, इसका इमेज कुछ इस जगह पे बनेगा, और येलो डॉट जो आप देख रहे हैं उसका इमेज जो है, उसका इमेज कुछ इस जगह पे बनेगा। इसका मतलब जो टोटल इमेज होगा, ये टोटल इमेज कुछ इस तरह का बनेगा। मतलब ये बना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, उसे अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस पे रखें, तो फिर उसका जो टॉप पॉइंट है, उस टॉप पॉइंट का इमेज अगर हम पता कर ले, तो फिर हम ये पता कर सकते हैं कि इमेज, पूरा का पूरा इमेज, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज कैसा बनेगा। इस टॉप पॉइंट के इमेज से हम प्रिंसिपल एक्सिस तक ड्रॉ कर लेंगे, वही उसका इमेज होगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ टॉप पॉइंट का, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस में रखने के बाद सिर्फ टॉप पॉइंट जो है इसका हमें देखना होगा इमेज कहां पर बन रहा है। उसका इमेज यहां पर बन रहा है, उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट को बना लेंगे, उस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस तक मिलाते हुए हम उसका इमेज को इस तरह से बना सकते हैं। तो फिर हमने क्या देखा कि अगर ऑब्जेक्ट को 2F1 से दूर रखा जाए, तो फिर इमेज का जो पोजीशन होगा, इमेज का पोजीशन F2 और 2F2 के बीचों बीच कहीं पर होगा, इस रीजन में कहीं पर होगा। और इसका साइज आप गौर से देखें, इसका जो साइज है ऑब्जेक्ट साइज, इमेज का साइज कैसा होगा, इमेज का साइज छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा इसका साइज। और इसका नेचर कैसा होगा, ये रियल इमेज है और ये इन्वर्टेड है, उल्टा है, देखिए सीधा नहीं है, उल्टा है। ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है, इमेज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जिसे कि इन्वर्टेड कहा जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे ले जाते हैं, हम 2F1 पॉइंट में इसे प्लेस करते हैं, इसका इमेज कैसा बनेगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले इसके टॉप पॉइंट से हम एक लाइट रे ड्रॉ करेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल होगा, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पार होगा, प्रिंसिपल फोकस से। एक दूसरा लाइट रे हम कंसीडर करेंगे जो कि इसका ऑप्टिकल सेंटर से पार होगा, तो फिर ऑब्वियसली इसका इमेज जो है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कुछ इस तरह का बनेगा। हम कहेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजिशन 2F1 हो तो इमेज का पोजिशन 2F2 होगा, और इमेज का साइज अगर आप गौर करें तो ये ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही है, सेम साइज का है ये। और इसका नेचर देखें, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज है, और साथ ही साथ ये इन्वर्टेड है, उल्टा है। अब हम थोड़ा और आगे ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीचों बीच एक जगह पे हमने प्लेस कर दिया। अब हमें देखना है कि इसका इमेज किस तरह का बनेगा। आप गौर से देखें, इसका इमेज जो है, ये इमेज इसका बड़ा बन रहा है, इन्वर्टेड और बड़ा बन रहा है। सो ऑब्जेक्ट का पोजीशन F1 और 2F1 के बीचों बीच है, तो इमेज का पोजीशन 2F2 से भी दूर होगा। यहां ऑप्टिकल सेंटर से अगर देखें तो ये 2F2 और उससे भी दूर ये इमेज यहां पर बन रहा है, और इमेज का साइज बड़ा है तो एनलार्ज्ड इमेज है, और इसका नेचर क्या है, रियल है और ये इन्वर्टेड है। अब यहां से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इसके प्रिंसिपल फोकस में। इस तरह के केस में आप ये पाएंगे कि दो लाइट रेज जो कि एक तो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से पार हो रहा है, प्रिंसिपल फोकस से, और दूसरा लाइट रे जो कि इस तरह से पार हो रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, आप ये पाएंगे कि दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। तो ऐसे सिचुएशन में ये मीट नहीं कर रहा कहीं पर, तो ऐसे में हम मान लेते हैं कि ये दो लाइट रेज जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर जाके मीट करता है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो उस लॉजिक से अगर देखा जाए तो फिर ऐसे केस में इमेज कहां पर बनेगा, इमेज तो ऐसे बनेगा नहीं, ऐसे में हम कहते हैं कि इमेज बनेगा इन्फिनिटी में जाकर बनेगा। और इसका साइज क्या होगा, अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर, इसी एंगल को फॉलो करते हुए ये इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर जाके मीट करे, अगर हम ऐसा माने, तो फिर हमें कहना होगा कि इमेज का साइज जो होगा ये इन्फिनिटली लार्ज होगा, बहुत 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 बड़ा होगा, बहुत 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 बड़ा होगा, क्योंकि ये मीट कहां पर कर रहा है, इन्फिनिटी में जाके मीट कर रहा, इसीलिए जो इमेज का साइज है ये बहुत बड़ा होगा। इसका नेचर कैसा होगा, अगर ऐसा हम माने कि इन्फिनिटी में जाके मीट करेगा, तो हमें यह कहना होगा कि इसका इमेज जो है ये रियल इमेज होगा और साथ ही साथ ये इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। उल्टा होगा आपको क्लियरली दिख रहा है, ये जो फिगर था इस फिगर में आपको क्लियर दिख रहा कि ये उल्टा होगा, इस डायरेक्शन में इमेज बनेगा, ये उल्टा बनेगा इसका इमेज। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं कहां पर, हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच हम इसे प्लेस कर देते हैं। तो ऐसे में आप ये पाएंगे कि जो लाइट रेज, दो लाइट रेज हम कंसीडर कर रहे हैं यहां पर, एक तो सीधा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो कि फोकस से पार होगा, प्रिंसिपल फोकस से, और दूसरा जो है इसके ऑप्टिकल सेंटर से पार हो रहा, ये दोनों डाइवर्जिंग है, ये दोनों एक दूसरे के साथ डाइवर्जिंग है, देखिए दूर जा रहा है एक दूसरे से।
तो ऐसा स्थिति में ये कभी भी मीट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इस साइड से देखें तो आपको उसका इमेज दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा मानो ये लाइट रे इस पॉइंट से निकल रहा और ये लाइट रे भी इस पॉइंट से निकल रहा, मतलब इस पॉइंट का एक वर्चुअल इमेज आपको यहां पर दिखेगा। मतलब पूरा का पूरा जो इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, ये इमेज कुछ इस तरह का बनेगा और ये वर्चुअल इमेज होगा। सो यहां पर इमेज जो बन रहा है ऑब्जेक्ट के साइड में ही बन रहा है, इससे पहले हम जो देख रहे थे वो ऑपोजिट साइड में बन रहा था, इधर ऑब्जेक्ट था तो इधर इमेज था, इस तरह का बन रहा था। लेकिन इस केस में देखें ये सेम साइड में ऑब्जेक्ट के साइड में ही इमेज बन रहा है और साथ ही साथ इमेज जो है एनलार्ज्ड है, ये इमेज है देखें बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। और इसका नेचर कैसा होगा, जैसे कि हमने बात किया था ये वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है, इसे स्क्रीन में हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये इरेक्ट है, मतलब सीधा है, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है इमेज भी उसी डायरेक्शन में है, इसीलिए इसे इरेक्ट कहा जाता है, सीधा है इमेज। अब हम क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं कॉनकेव लेंस पे। अब कॉनकेव लेंस के केस में हम अलग अलग जगह पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसका इमेज कैसा होगा, किस जगह पे बनेगा, बड़ा होगा छोटा होगा, उसका नेचर क्या होगा, रियल होगा वर्चुअल होगा, यही सब चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा जाता है इन्फिनिटी में, ऐसे में पैरेलल लाइट रेज आएगा उससे और फिर डाइवर्ज कर जाएगा। इस तरह से डाइवर्ज करेगा मानो कि वो एक पॉइंट से निकला हो, उस पॉइंट को उसका प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा। अब देखिए यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर रखा हुआ है, उसके हर एक पॉइंट से निकला हुआ हर एक लाइट रेज यहां पर पैरेलल हो जा रहा है और वो यहां बाहर की तरफ निकल रहा है। अगर इस साइड से आप उस चीज को देखें, उस ऑब्जेक्ट को देखने का कोशिश करें, तो आपको क्या दिखेगा, क्या दिखना चाहिए, आपको दिखेगा कि लाइट रेज यहां एक पॉइंट से बाहर निकल रहा है, मतलब आपको इमेज जो है इस पॉइंट में दिखेगा। तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर इन्फिनिटी में हो तो फिर इमेज का पोजीशन F1 में होगा। ये देखिए ये F1 है प्रिंसिपल फोकस इसका, और साथ ही साथ इमेज का साइज पॉइंट साइज्ड होगा और इसका जो नेचर होगा ये नेचर वर्चुअल होगा, रियल नहीं है बल्कि वर्चुअल इमेज बन रहा है यहां पर। इसे हम स्क्रीन में हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं बल्कि ऑपोजिट साइड से अगर देखा जाए तो हम इस चीज को देख सकते हैं, इसे हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं स्क्रीन में। अब आगे बढ़ते हैं, हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहां पर 2F1 से दूर रख रहे हैं फिलहाल। अब देख रहे हैं कि इसका जो इमेज है इसका इमेज किस तरह का बनेगा। तो इसका इमेज जो है, इसका इमेज टॉप पॉइंट का जो इमेज है वो यहां पर बनेगा और पूरा का पूरा इमेज कुछ ऐसा होगा। थोड़ा सा अगर हम इसके पोजीशन को चेंज कर ले तो भी आपको जो इमेज है इमेज F1 और O के बीचों बीच ही दिखेगा। फिलहाल इस इमेज को देखें आप, ये F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच है या बीच है, कहीं पर भी है बीच में है। अगर हम इसके पोजीशन को थोड़ा चेंज भी करें तो भी हमें इमेज जो है वो इमेज F1 और O के बीचों बीच कहीं पर दिखेगा। इस तरह से थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, हमने ऑब्जेक्ट पोजीशन थोड़ा और चेंज कर लिया, फिर भी हमें यही दिख रहा है कि इमेज जो है वो इमेज F1 और O के बीच बन रहा है। और हर केस में, जितना भी केस हमने अभी कंसिडर किया, हर एक केस में ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है और सीधा है, इरेक्ट है। तो फिर हम कहेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखा जाए बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर कहीं भी हम रखे इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखे, तो उस केस में उसका इमेज जो बनेगा वो F1 और O के बीचों बीच बनेगा या बीच बनेगा, कहीं पर बनेगा। उसका साइज क्या होगा, इमेज का साइज छोटा होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, मतलब हम कहेंगे डिमिनिश्ड होगा। उसका नेचर कैसा होगा, इरेक्ट होगा, वो सीधा होगा और वो वर्चुअल होगा, इसे स्क्रीन में हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं बल्कि ऑपोजिट साइड से अगर हम देखें तो फिर हमें इमेज दिखेगा। इस तरह के इमेजेस को वर्चुअल इमेज कहा जाता है। अब इस वीडियो में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को किस जगह पर रखने से इमेज कहां पर बनना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली कितना दूर बनेगा इस पे हमने बात नहीं किया है। जैसे कि अगर 2F1 और F1 के बीच ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज जो है ये 2F2 से दूर बनता है और ये बड़ा बनता है, ये हमने देखा। लेकिन कहां एग्जैक्टली कहां बनेगा, एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा, उस पे बात करने के लिए हमें जानना होगा कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है। वो ये कहता है कि 1 ओवर v माइनस 1 ओवर u इज इक्वल टू 1 ओवर f। यहां पर ये जो v है, ये v है इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस कहां से, लेंस से। लेंस का जो सेंट्रल पार्ट है जिसे कि इसका ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, उस ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का जो डिस्टेंस है
यहां पर इमेज बन रहा, तो ये इमेज का डिस्टेंस हो गया। इसे वी से डिनोट किया जाता है, इस वी से डिनोट किया जाता है। और ये यू जो है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ये जो इसका सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर, यहां से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो है इसे यू से डिनोट किया जाता है। यहां पर आपको ध्यान ये रखना होगा कि ये जो यू और वी है ये दोनों ये साइन डिपेंडेंट है, इसके लिए हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर आप जो देख रहे हैं, मान ले कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये अगर एक मीटर दूर है तो ऐसा नहीं है कि हम इसे पॉजिटिव 1 मीटर ही कंसीडर करेंगे। यहां पर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ता है, वो बहुत ही जरूरी है, बिना उसके ये फॉर्मूला होल्ड नहीं करेगा। तो ये तो था वी और यू, वी है इमेज डिस्टेंस और यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये एफ क्या है? ये एफ है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? एक लेंस, अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो वो क्या करता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज होता है तो उसे वो कन्वर्ज कर देता है। तो कन्वर्जेंस के बाद ये जो पैरेलल लाइट रेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज, मैं यहां पर थोड़ा सा बता दूं ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। जैसे कि इस कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये जो सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट है, ये एक इस तरह से स्फीयर का पार्ट होगा ऐसे, और यहां पर ये जो स्फीयर का पार्ट होगा ये दूसरा वाला सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट होगा, उन दोनों का जो सेंटर्स है, इस स्फीयर का सेंटर, यहां पर इसका सेंटर और इस स्फीयर का जो सेंटर है, उन दोनों सेंटर्स को मिलाते हुए जो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जो कि ऑब्वियसली इसका ऑप्टिकल सेंटर से पार होता है, उस स्ट्रेट लाइन को, यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं उस स्ट्रेट लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस के केस में कन्वर्ज करने के बाद एक पॉइंट में जाके वो कन्वर्ज करता है, वो अंदर की तरफ जाता है और एक पॉइंट में जाके कन्वर्ज करता है, इस पॉइंट को इसका प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। ये जो एफ है ये है फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस तक का जो डिस्टेंस है, प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को इसका फोकल लेंथ कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। लेकिन अगर लेंस कॉनकेव लेंस हो तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज को ये डाइवर्ज कर देता है, बाहर की तरफ निकाल देता है। ऐसा लगता है मानो ये जो रेज है रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से पार होने के बाद ये जो रेज है जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मानो ऐसा लगता है कि वो किसी एक खास पॉइंट से रेज निकला हुआ हो, खास पॉइंट से डाइवर्ज किया हुआ हो, तो उस पॉइंट को इसका प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। इस केस में ऑप्टिकल सेंटर से इस प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है इसे हम इसका फोकल लेंथ कहेंगे। यहां पर भी ध्यान दें, यहां भी हमें पॉजिटिव नेगेटिव के लिए साइन कन्वेंशन फॉलो करना होगा। तो इस फॉर्मूला को, लेंस फॉर्मूला को यूज करने से पहले, आपने फॉर्मूला देख लिया, फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली, इसे यूज करने से पहले हमें साइन कन्वेंशन भी जानना होगा। वैसे देखा जाए तो साइन कन्वेंशन जो है वो उसका जो एग्जैक्ट फॉर्म है, जिसे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहा जाता है, उसका एग्जैक्ट फॉर्म जो है उसे हम थोड़ा बहुत इधर उधर मरोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। आपके किताब में, खासकर एनसीईआरटी में, सिंप्लीफाइड तरीके से इस साइन कन्वेंशन को मेंशन किया गया है। जब आप लेंस के बदले आप जब मिरर पढ़ रहे थे उस समय आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा था, तो उस समय जो साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा था वो सिंप्लीफाइड तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया गया था साइन कन्वेंशन। इस केस में भी, लेंस के केस में भी हम जो साइन कन्वेंशन अभी पढ़ने वाले हैं ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन होगा, ताकि आप इसे आसानी से यूज कर सके, उस तरह के सेंस में मैं कह रहा हूं, सिंप्लीफाइड वर्जन है। हम इस केस में इस साइन कन्वेंशन में जिस तरफ पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, जिस तरफ नेगेटिव कंसीडर करेंगे, आप चाहे तो उसका उल्टा भी कंसीडर कर सकते हैं, वो भी वैलिड होगा, लेकिन आपको किसी एक तरह का साइन कन्वेंशन को फॉलो करना होगा। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका इमेज इस जगह पे बन रहा है। तो हमें सबसे पहले तो V और U के लिए इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना होगा क्या है, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, साइन कन्वेंशन फॉलो करना होगा, किस तरफ नेगेटिव किस तरफ पॉजिटिव हमें पहले डिसाइड कर लेना होगा। तो सबसे पहली बात जो साइन कन्वेंशन में हम फॉलो करेंगे वो ये कि जो भी मेजरमेंट हम करेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है लेंस से, तो लेंस से मतलब क्या, इस जगह से या फिर इस जगह से या फिर उसके सेंटर से, ये सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा, जानना होगा कि कहां से मेजरमेंट होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट लेंस से कितना दूर है, तो लेंस के किस पार्ट से कितना दूर है। तो जो भी मेजरमेंट होता है,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस या फोकल लेंथ के लिए, वो सारे मेजरमेंट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाता है, इसका जो बिल्कुल जियोमेट्रिक सेंटर है इस लेंस का। सो मेजरमेंट जो है, हर तरह का मेजरमेंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो, हर तरह का मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से किया जाता है, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, ये आप याद रखें कि ऑप्टिकल सेंटर से वो सारा मेजरमेंट किया जाता है। मतलब यहां से मेजर किया जाएगा ऑब्जेक्ट कितना दूर है, जो कि होगा इसका यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहीं से ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाएगा कि इमेज कितना दूर है, वो होगा इमेज डिस्टेंस वी। तो ये तो पहला पहला चीज हो गया कि मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से होगा। अब दूसरा चीज जो है, हमें ये फॉलो करना होगा कि किसी एक तरफ पॉजिटिव और किसी दूसरी तरफ उसके ऑपोजिट साइड में हमें नेगेटिव कंसीडर करना होगा। तो नॉर्मल साइन कन्वेंशन के तौर पे आप ये मान सकते हैं, आप इसका उल्टा भी मान सकते हैं। मैं आपको यहां रिमाइंड कर दूं, आप अगर इसका उल्टा भी मान के चले तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको किसी एक तरह का कन्वेंशन को फॉलो करना होगा कि एक पार्ट के लिए हम इधर पॉजिटिव मान लेंगे और दूसरे पार्ट के लिए इधर पॉजिटिव मानेंगे, फिर गलत हो जाएगा। आप किसी भी एक तरह का कन्वेंशन लेके चले, तो फिलहाल मैं थोड़ा सा कॉमन कन्वेंशन जो है उसे लेकर चलता हूं, जो राइट है, राइट साइड को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड में वैल्यूज को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर इसका उल्टा भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेफ्ट को पॉजिटिव और राइट को नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें, आप जो भी साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे उसी के साथ आपको स्टिक रहना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि इस केस में इमेज यहां पर बन रहा है, तो वी जो होगा, वी का मेजरमेंट यहां से होगा, इस जगह से वी का मेजरमेंट होगा। लेट्स से कि ये हो गया 5 मीटर का, सो 5 मीटर का डिस्टेंस है, इमेज जो है 5 मीटर दूर बन रहा, सो हम कहेंगे वी जो है, वी इज इक्वल टू 5 मीटर्स, और हमने कन्वेंशन फॉलो किया है कि राइट पॉजिटिव, तो ये जो होगा पॉजिटिव 5 मीटर्स होगा। वैसे ही अगर यू को हम मेजर करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम मेजर करें, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा यू, और लेट अस से ये आया 8 मीटर्स सपोज, तो ये जो 8 मीटर होगा इसे हम पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि इस साइड में हमारे कन्वेंशन के हिसाब से हम वैल्यूज को पॉजिटिव रखेंगे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज मेजर किया जाएगा उसे हम नेगेटिव रखेंगे हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो ये चीज सबसे पहले ध्यान रखें कि कोई एक साइड को आपको पॉजिटिव और उसके दूसरे साइड को आपको नेगेटिव कंसीडर करना है। तो जैसे कि इस केस में हमने देखा हमारे कन्वेंशन के हिसाब से कि इमेज डिस्टेंस जो है ये पॉजिटिव होगा इस एग्जांपल के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू जो भी निकल के आएगा उसे हमें नेगेटिव कंसीडर करना होगा। अब जब हाइट हम मेजर करेंगे तो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करना है। सो तीसरा कन्वेंशन जो हाइट होगा, हाइट को मेजर करेंगे, अगर जैसे डिस्टेंसेज को हम मेजर कर रहे थे कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, अब जब हाइट को हम मेजर करेंगे, जैसे कि इसका हाइट हो गया, इसका इस ऑब्जेक्ट का हाइट, मतलब उसे हमें प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करना होगा, यहां से मेजर करना होगा। सो हाइट का मेजरमेंट जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस से होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट का मेजरमेंट होगा। और यहां पर भी एक साइन कन्वेंशन हमें फॉलो करना पड़ता है कि ऊपर की तरफ, अबव जो है, ऊपर की तरफ का जो वैल्यूज होगा इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और नीचे की तरफ जैसे यहां ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, तो ये वैल्यू ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, और नीचे मतलब बिलो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ये जो भी वैल्यूज होगा इसे हमें निगेटिव कंसिडर करना होगा। लेट से कि यहां पर इसका जो हाइट है, इसका हाइट 4 सेंटीमीटर है, लेट्स से ऑब्जेक्ट का हाइट 4 सेंटीमीटर है, इसका इमेज बना यहां पर, और इमेज का हाइट जो है ये 2.5 सेंटीमीटर है लेट्स से। तो फिर यहां कन्वेंशन के हिसाब से हमें ऊपर वाला वैल्यू को, जिसका हाइट ऊपर जा रहा प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऊपर की तरफ है, इसे पॉजिटिव कंसीडर करना होगा, और जो नीचे की तरफ है इसे हमें नेगेटिव कंसीडर करना होगा। मतलब यहां पर जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो हम कहेंगे पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर है, और जो इमेज का हाइट है वो नेगेटिव 2.5 सेंटीमीटर है। पॉजिटिव नेगेटिव आपको बताएगा ऊपर है या नीचे है, सीधा है या उल्टा है।
तो ये तो हो गया कुछ बेसिक साइन कन्वेंशंस, मेजरमेंट जो है ऑप्टिकल सेंटर से होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के लिए, और राइट साइड में हम नॉर्मली पॉजिटिव मानते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव मानते हैं। हाइट का मेजरमेंट प्रिंसिपल एक्सिस से होगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव हम कंसिडर करेंगे। एक और साइन कन्वेंशन यहां पर आएगा कि जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ किस लेंस के लिए पॉजिटिव होगा, किस लेंस के लिए नेगेटिव होगा। जैसे कि इस केस में आप देखें कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम जो फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हम राइट साइड में मेजर कर रहे हैं। जब राइट साइड में हम मेजर कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यू होगा इस वैल्यू को हमें पॉजिटिव कंसिडर करना होगा। लेट अस से ये 3 सेंटीमीटर का है, फोकल लेंथ जो है यहां पर फोकल लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर का है, यहां से ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस, प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस, इसे हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। लेकिन कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगा, फोकल लेंथ लेट अस से कि ये भी 3 सेंटीमीटर का है, यहां पर भी ये जो फोकल लेंथ है ये 3 सेंटीमीटर का है, लेकिन इसका मेजरमेंट देखें ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में है, तो इसका हमें वैल्यू को नेगेटिव कंसिडर करना होगा। हमारे प्रीवियस साइन कन्वेंशन के हिसाब से, हमने प्रीवियस साइन कन्वेंशन क्या लिया था, राइट साइड में हम पॉजिटिव, इस साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में मेजरमेंट को नेगेटिव कंसिडर करेंगे, उसी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और कॉनकेव लेंस के लिए, जो कि आपको यहां पर दिख रहा, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। चलिए अब इन सारे चीजों के साथ जो हमने लेंस फॉर्मूला देखा और साथ ही साथ जो साइन कन्वेंशन हमने सीखा उससे चलिए कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट देखे लेंस से 10 मीटर दूर है, कहा गया कि इसका फोकल लेंथ जो है फोकल लेंथ 4 मीटर का है, हमें इसका इमेज जहां पर बन रहा उसका डिस्टेंस इसके सेंटर से, जिसे कि इमेज डिस्टेंस कहा जाता है, उस इमेज डिस्टेंस को हमें पता करना है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, यहां पर हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे सबसे पहले और उसके बाद हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो देखिए फोकल लेंथ ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ऑब्वियसली इसका फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आप देखिए इसे हम लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं तो हमारे कन्वेंशन के हिसाब से हम इसे नेगेटिव 10 मीटर मानेंगे। हमें वी का वैल्यू पता करना है तो हम यहां पर यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला जो कि कहता है 1/v, यहां पर ये जो है ये यू है और यहां पर ये जो है ये इमेज का डिस्टेंस ये वी है और ये जो पॉजिटिव 4 मीटर है ये फोकल लेंथ है। सो यहां पर जो फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला वो कहता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें क्या पता करना है, हमें v का वैल्यू पता करना है तो हम यहां से 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u कह सकते हैं, इस पार्ट को ट्रांसपोज करके इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव 1/u हो जाएगा। अब सिर्फ हमें वैल्यूज को पुट करना है यहां पर, सो 1/v इज इक्वल टू 1/f मतलब 1/4 मीटर। आप मीटर ना भी लिखे तो भी चलेगा क्योंकि सारे मेजरमेंट जो है मीटर में है, फाइनल आंसर जो भी आएगा वो मीटर में ही आएगा। सो मैं फिलहाल सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को लेकर चलता हूं, आप चाहे तो यहां पर मीटर डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो सेम यूनिट है तो इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। आप अगर सारे यूनिट्स को सेम यूनिट SI यूनिट में कन्वर्ट कर दे या CGS यूनिट में कन्वर्ट कर दे, सेम यूनिट रखे तो फिर आपको ये जो यूनिट है इस पे बॉदर करने की जरूरत नहीं है। सो 4 मीटर है फोकल लेंथ, सो वही वाला 4 मैंने यहां पर लिखा, प्लस 1/u, u का वैल्यू 10 मीटर है, सो यहां पर 10 तो लिखेंगे लेकिन ये नेगेटिव है, सो नेगेटिव 10, सो नेगेटिव 10 यहां पर है, इसी नेगेटिव साइन को मैं यहां पर डाल सकता हूं, इस जगह पर डाल सकता हूं, सो वही वाला नेगेटिव साइन अब यहां पर। अब सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है, यहां से हम क्या करेंगे, 20 हो गया ये और ये 5 हो गया, 5 × 4 = 20 -2 × 10 = 20, सो 3/20। अब ध्यान रखें यहां पर हम लोग एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं कि हम सीधा कह देते हैं कि यहां पर इमेज डिस्टेंस जो है ये 3/20 है, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। आप ध्यान रखें ये जो हमने पता किया ये 1/v के लिए पता किया, v का वैल्यू नहीं है, ये जो वैल्यू है ये 1/v का वैल्यू है, सो v इज इक्वल टू इसी का रेसिप्रोकल होगा क्योंकि 1/v इज इक्वल टू दिस वन, सो v इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, सो 20/3 मीटर होगा यहां पर क्योंकि बाकी मेजरमेंट जो है ये मीटर में है, सो दैट इज इक्वल टू 6.66
आप कह सकते हैं, या 6.67 कह देता हूं मैं, 6.67 मीटर। ये हो गया, देखिए इसका साइन देखिए क्या आया, ये पॉजिटिव आया, मतलब ये बता रहा है कि इमेज जो है ये राइट साइड में पड़ रहा है, हमारे कन्वेंशन के हिसाब से ये राइट साइड में पड़ रहा है। सो वी का वैल्यू क्या होगा, 6. यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 6.67 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताया गया 5 मीटर, इमेज डिस्टेंस बताया गया 10 मीटर। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू 5 मीटर, इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू 10 मीटर, और हमें फोकल लेंथ पता करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर साइन कन्वेंशन लगाएंगे। ये जो 5 मीटर है लेफ्ट साइड में मेजर किया गया तो नेगेटिव, 10 मीटर भी लेफ्ट साइड में मेजर किया गया तो नेगेटिव। ओके, हम यहां पर फोकल लेंथ पता करेंगे। हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। किसका वैल्यू पता करते हैं, 1/f का वैल्यू सबसे पहले पता करेंगे, वहां से f का वैल्यू हम पता करेंगे। सो 1/f इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करना है सिर्फ, 1/v। सो 1/v मतलब 1/-10 माइनस 1/u, u का मतलब -5। सो -5, यहां पर इस नेगेटिव साइन को हटा के हम इसे पॉजिटिव कर सकते हैं। थोड़ा सा अरेंज कर लूं मैं, यहां से 1/5 माइनस 1/10। मैं माइनस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये माइनस साइन जो है यहां पर आएगा। वेल, सो दैट इज इक्वल टू, यहां से 10 फिर 2 - 1 इज इक्वल टू 1/10। 1/10 किसका वैल्यू है, 1/f का वैल्यू है। इसका मतलब कि f जो है, फोकल लेंथ जो है, दैट इज इक्वल टू 10। 10 क्या होगा, बाकी यूनिट्स को देखें, मीटर मीटर, सो 10 मीटर्स। वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव। सो ये पॉजिटिव आना ही है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसका कि फोकल लेंथ पॉजिटिव आना चाहिए हमारे कन्वेंशन के हिसाब से। सो फोकल लेंथ कितना आया, 10 मीटर का फोकल लेंथ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखे कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव लेंस है, और यहां पर बताया गया कि फोकल लेंथ 6 मीटर का है, इमेज डिस्टेंस जो है वी ये 3 मीटर का है। तो यहां पर ये जो एफ है ये 6 मीटर का है, लेकिन साइड देखे ये कौन सा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। तो किस साइड में फोकल लेंथ को हम मेजर करते हैं, लेफ्ट साइड में। तो ये हो जाएगा -6 मीटर, और यहां पर ये जो इमेज डिस्टेंस है ये भी लेफ्ट साइड में हम मेजर कर रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब u का वैल्यू हमें पता करना होगा। सेम तरीका यहां पर भी हम क्या करेंगे, जो लेंस फॉर्मूला है उस लेंस फॉर्मूला को हम यहां पर यूज करेंगे, और हम पता करेंगे किसका वैल्यू, यू का वैल्यू। सो यू के लिए वैल्यू हमें पता करना है, तो यहां से हम कह सकते हैं इस पार्ट को अगर आप इस साइड में ले जाएं और इस पार्ट को 1/f को इस साइड में ले आएं, तो आप पाएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा उस साइड में जाके। मैं साइड चेंज यहीं पर कर दे रहा हूं, आई होप आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। सो दैट इज इक्वल टू 1/v - 1/f। अगर इसके साइंस में आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा, तो थोड़ी देर रुक के आप इस चीज को एक बार खुद से सॉल्व कर ले कि कैसे ये हो रहा है। ये पार्ट -1/u इस साइड में गया तो पॉजिटिव हो गया, देखे पॉजिटिव है। मैं साइड चेंज भी साथ ही साथ कर रहा हूं, ये इन सब चीजों में आपको प्रैक्टिस अभी से कर लेना चाहिए। और फिर ये 1/f जब इस साइड में जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यही -1/f, और मैंने साइड चेंज भी कर दिया, इसे राइट साइड में भेज दिया। अब सिर्फ वैल्यूज को यहां पर पुट करना है। सो 1/v मतलब 1/v का वैल्यू होगा -3 और -1/f मतलब ये हो गया 1/6। सो 1/-6, सो ये नेगेटिव साइन जो है इसे हटा के मैं इसको पॉजिटिव कर सकता हूं। अब यहां से मैं थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर लूं, 1/6 - 1/3 दैट इज इक्वल टू 6 डिनोमिनेटर में, 1 - 2 सो दैट इज इक्वल टू -1/6। तो ये वैल्यू है 1/u का, तो फिर u का वैल्यू जो आएगा इसी का रेसिप्रोकल होगा, सो -6 और यूनिट होगा मीटर। सो u का वैल्यू आया -6 मीटर। तो यहां से सेंटर से जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस होगा 6 मीटर, और नेगेटिव साइन ये बता रहा कि ऑब्जेक्ट जो है ये लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, जो आपको फिगर में भी दिख रहा है। तो इस तरह से हम मिरर फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के साथ ही हमेशा मिरर फॉर्मूला, माफ कीजिएगा, लेंस फॉर्मूला को यूज किया जाता है, लेंस फॉर्मूला को यूज किया जाता है। मिरर फॉर्मूला भी जब आप यूज करेंगे वो भी साइन कन्वेंशन के साथ ही, आपने जब फॉलो किया था, आपने जब प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो उस समय भी हमने साइन कन्वेंशन के साथ ही उसे फॉलो किया था। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट आता है मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन मतलब इमेज कितना मैग्निफाइड हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है। मैग्निफिकेशन का मतलब कितना मैग्निफाइड हो रहा है, कितना टाइम्स मैग्निफाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट का जो हाइट है ये 4 सेंटीमीटर है। लेट्स से ऑब्जेक्ट जो है ये 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। प्रिंसिपल एक्सिस से लेके जब हम इसके टॉप तक मेजर करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर हो रहा है। सपोज साइन कन्वेंशन हमें क्या बताएगा, दिस इज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर। चलिए मान लेते हैं कि इमेज जो है ये 8 सेंटीमीटर का बन रहा है, 8 सेंटीमीटर का बन रहा है, और साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये नेगेटिव होगा। फिलहाल तो आप कुछ देर के लिए आप ये भूल जाएं कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ कि ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है और इमेज 8 सेंटीमीटर का है, और आपसे ये पूछा गया कि इमेज कितना मैग्निफाइड हुआ, ऑब्जेक्ट से कितना मैग्निफाइड हुआ, कितना टाइम्स वो बड़ा हुआ, तो आपका सवाल, आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे 2 टाइम्स, 2 गुना बड़ा हो गया, इमेज 2 टाइम्स बड़ा हो गया। ये जो मैग्निफिकेशन होता है ये मैग्निफिकेशन इमेज का होता है कि इमेज कितना बड़ा हुआ, इमेज जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना टाइम्स हुआ, कितना टाइम्स, कितना बड़ा हो गया, वो कितना गुना बड़ा हो गया। तो आप सिंपली यहां पर कहेंगे ऑब्जेक्ट चूंकि 4 सेंटीमीटर का है, इमेज 8 सेंटीमीटर का है, तो ये 2 टाइम्स बड़ा हो गया, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 2। फिलहाल अभी साइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मैग्निफिकेशन का न्यूमेरिक वैल्यू जो यहां पर होगा, मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट किया जाता है, जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा वो 2 होगा। 2 बता रहा है कि इमेज ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ा है। अगर आपको यहां पर फॉर्मूला बनाना है तो आप फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला यही होता है कि इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट। So, ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। वही तो बताएगा इमेज ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स है। लेट से इमेज का जो हाइट है इसे हम एच डैश से डिनोट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट का हाइट जो है इसे एच से डिनोट कर रहे हैं। तो यहां पर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होना चाहिए कि इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट, दैट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। अगर वैल्यूज को हम पुट करें यहां पर तो हम कहेंगे इमेज का हाइट जो है 8 सेंटीमीटर का है और ऑब्जेक्ट का हाइट है 4 सेंटीमीटर का। फिलहाल हम साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहे, बिना साइन कन्वेंशन यूज किए हमें सिर्फ इसका न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगा। साइन जो यहां पर आएगा मैग्निफिकेशन का साइन, उसके लिए हमें साइन कन्वेंशन फॉलो करना होगा। तो ये सिंपल 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर ये आपको बताएगा 2, जो कि इस मैग्निफिकेशन का न्यूमेरिक वैल्यू है कि कितना टाइम्स वो बड़ा हो रहा, इमेज ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स बन रहा है। लेकिन अगर हम साइन कन्वेंशन को भी साथ ही साथ फॉलो करें तो हमें और भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। जैसे कि यहां पर 8 सेंटीमीटर जो है साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसे नेगेटिव और इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, तो ये वैल्यू जो आएगा मैग्निफिकेशन का नेगेटिव 2 आएगा। नेगेटिव 2 यहां पर दो चीज है, देखिए एक तो न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा है इसका साइन। सो एक है इसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव और इसका वैल्यू, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो दो चीजें हैं यहां पर। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बता रहा है कितना टाइम्स हुआ, कितना बड़ा हुआ या छोटा हुआ, जो भी है ये वैल्यू बताएगा। और ये साइन हमें ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है और किस डायरेक्शन में इमेज है, दोनों डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। सो मतलब ये जो इमेज है ये इमेज उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है, मतलब ये इरेक्ट है सीधा है या उल्टा है, यही चीज साइन हमें बता के देगा। जैसे अगर साइन पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या होगा, आप खुद सोचे, साइन अगर पॉजिटिव आएगा तो उसका मतलब क्या होगा। साइन पॉजिटिव तभी आ सकता है जब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डायरेक्शन में हो, सीधा हो तो सीधा, उल्टा हो तो उल्टा, दोनों सेम हो, दोनों सीधा हो या दोनों उल्टा हो। दोनों सीधा होगा तो दोनों का वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगा, हाइट का वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगा, पॉजिटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वैल्यू हमें एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब यहां पर अगर पॉजिटिव साइन आता तो ये कहता कि इमेज ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में ही है, मतलब इमेज सीधा है, इरेक्ट है। और अगर यहां पर साइन नेगेटिव आता है तो क्या बता रहा है ये कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, मतलब एक सीधा है तो दूसरा उल्टा है, मतलब यहां पर इमेज जो है इन्वर्टेड बनेगा। नेगेटिव साइन का मतलब होता है इन्वर्टेड मैग्निफिकेशन के लिए, और पॉजिटिव साइन का मतलब होता है इमेज जो है ये इरेक्ट है,
इस बात का आप ध्यान रखें। और ये जो वैल्यू है, ये तो साइन की बात हम कर रहे हैं, ये वैल्यू हमें बताएगा कि इमेज ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स है। चलिए एक और इसके इसके साथ एसोसिएटेड जो जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लेते हैं, एक सिचुएशन और कंसीडर करते हैं ताकि मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेट्स से कि ऑब्जेक्ट जो है ये 4 सेंटीमीटर का है और इमेज भी उतना ही बड़ा बन रहा है, सेम हाइट का बन रहा है, 4 सेंटीमीटर का बन रहा है। हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखें, यहां पर हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो यहां पर हम इसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहां पर लगाए, ये एच हो गया और ये एच डैश हो गया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं एच डैश डिवाइडेड बाय एच, तो हमें मिलेगा एच डैश है -4 सेंटीमीटर और एच है 4 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू निकल के आएगा मैग्निफिकेशन का -1। यहां पर निगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि ये इन्वर्टेड है, इमेज जो है इन्वर्टेड है। और साथ ही साथ ये जो न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, 1 हमें क्या बताएगा, ये वैल्यू 1 हमें बताएगा कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है और इमेज का हाइट जो है, ये दोनों का जो वैल्यू है ये सेम है, सेम हाइट का बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है। ऑब्जेक्ट जिस साइज का है, इमेज भी उसी साइज का बन रहा है। इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जितना साइज है इमेज का भी उतना ही साइज है। तो ये वैल्यू जब 1 निकल के आता है तो ये हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज का है। लेकिन मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होता है, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहा हूं, साइन की बात नहीं कर रहा हूं, न्यूमेरिक वैल्यू जो है इसका, ये अगर 1 से बड़ा आता है, लेट से 1.5, 2, 3, 4, 5, ये सब जब आता है, तो आप खुद समझ जाइए इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि इमेज जो है उसका साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा हो, उस समय मैग्निफिकेशन का जो न्यूमेरिक एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटा निकल के आएगा। एग्जाम्पल देख ले, लेट से ये 4 सेंटीमीटर का हुआ और इमेज इससे थोड़ा छोटा है, 2 सेंटीमीटर का है, ये एच डैश है, ये एच है, तो अब की बार जब आप मैग्निफिकेशन पता करेंगे तो उस समय आप क्या पाएंगे देखे। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश डिवाइडेड बाय एच, सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन लगा दे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो आप जब वैल्यूज पुट करेंगे, यहां पर -2 सेंटीमीटर और यहां पर +4 सेंटीमीटर, तो आपको वैल्यू मिलेगा, ये तो साइन तो नेगेटिव मिलेगा और जो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है वो मिलेगा 1/2। तो यहां पर इस वैल्यू को देखें, ये 1 से छोटा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो है छोटा बन रहा है, इसका साइज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा है। और ये निगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, ये निगेटिव साइन हमें बता रहा है कि ये इमेज जो है ये इन्वर्टेड बन रहा है। कभी कभार ऐसा भी होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ऑब्जेक्ट को बहुत करीब अगर आप रखेंगे तो इमेज जो है ये इमेज सेम साइड में बनता है और ये मैग्निफाइड बनता है। जो नॉर्मली हम लोग जो मैग्निफाइंग ग्लास है उसे यूज करके जब छोटे छोटे लेटर्स को हम पढ़ते हैं, तो उस समय जिस तरीके से हम उसे यूज कर रहे हैं उस तरीके से जो इमेज बन रहा है वो ये वाला तरीका है। हम बहुत करीब रखते हैं ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट हमें, हम जब इस साइड से देखते हैं तो हमें उस ऑब्जेक्ट का इमेज काफी बड़ा दिखता है। चलिए यहां पर मैग्निफिकेशन का वैल्यू कैसे निकल के आएगा वो देखेंगे। यहां पर आप गौर करें कि इमेज और ऑब्जेक्ट चूंकि एक ही डायरेक्शन में है, मतलब इमेज जो है ये इरेक्ट है, सीधा है, तो हमें मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। लेट से ऑब्जेक्ट का हाइट जो है 4 सेंटीमीटर का है और इमेज का हाइट लेट से कि ये 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब यहां पर दोनों हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव होगा, सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज का हाइट विच इज +8 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का हाइट विच इज +4 सेंटीमीटर, तो यहां पर आपको मिलेगा +2। यहां पर ये पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है कि ये इरेक्ट है, इमेज सीधा है, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है इमेज भी उसी डायरेक्शन में है, और ये 2 ये बता रहा है कि 2 टाइम्स हुआ, डबल हो गया इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट से डबल हो गया, इतना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया यहां पर। अब यहां पर हमने जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया है, द हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो फॉर्मूला यूज किया है, एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन के लिए। सो मैग्निफिकेशन लेंस के लिए, मैं आपको बता दूं, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, आप ज्योमेट्री से इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में इसे प्रूफ नहीं करूंगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें एक और फॉर्मूला जो है इसके लिए, वो फॉर्मूला है कि इमेज डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्योंकि हमेशा अब जब मैग्निफिकेशन पता करेंगे किसी खास केस में, तो उस समय हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट आपको पता होगा। हो सकता है कि आप ये पता कर ले कि इमेज डिस्टेंस कितना है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, सिर्फ इससे भी हम मैग्निफिकेशन कितना है ये पता कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई यू। चलिए इसी फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला तो बहुत आसान है यूज करना, इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर बताया गया कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से 5 मीटर दूर है, मतलब यू जो है ये 5 मीटर का है, साइन कन्वेंशन अभी फॉलो करेंगे हम लोग। वी जो है वी 10 मीटर्स का है, तो हमें यहां पर मैग्निफिकेशन पता करना होगा। तो मैग्निफिकेशन पता करने से पहले हमें यहां साइन कन्वेंशन यूज करना होगा। हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसे हम नेगेटिव और से भी नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो फिर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय यू चूंकि होता है, तो यहां पर वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो वी के लिए नेगेटिव 10 मीटर और यू के लिए नेगेटिव 5 मीटर। तो यहां पर देखें नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा पॉजिटिव 2। तो यहां पर पॉजिटिव साइन ये बता रहा कि जो इमेज है सीधा है, इरेक्ट है, और यहां पर ये जो बता रहा है ये बता रहा कि 2 टाइम्स हुआ, जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट का 2 टाइम्स हो गया। यहां से आप और भी कुछ चीजें पता कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो है जब इन्वर्टेड बनता है इमेज, इसका इमेज मान ले इस तरफ बनेगा तभी जाके ये इन्वर्टेड बनेगा, जो कि रियल इमेज होगा, रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा तभी रियल होगा। और जब इरेक्ट होगा इमेज उस समय ये वर्चुअल इमेज होता है। इस केस में जो आप इमेज देख रहे हैं ये वर्चुअल इमेज है। तो इस इंफॉर्मेशन से पॉजिटिव है या नेगेटिव है जो इमेज, जो मैग्निफिकेशन है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से आप ये भी पता कर सकते हैं कि इमेज वर्चुअल है या इमेज रियल है। अगर ऑब्जेक्ट के उल्टे डायरेक्शन में इमेज बनता है तो इसका मतलब होता है कि वो जो इमेज है वो रियल इमेज है, और अगर ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में ही इमेज बनता है जिसे कि वर्चुअल इमेज कहा जाता है, उस केस में इमेज उसी डायरेक्शन में बनता है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है। तो इस बात का ध्यान रखें, इस साइन से आप और भी चीजें, जैसे कि ये पॉजिटिव साइन आया मैग्निफिकेशन का, इससे और भी चीजें आप पता कर सकते हैं। जैसे कि ये बताएगा ये वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव निकल के आता तो हम कहते हैं रियल इमेज है। और साथ ही साथ ये जो है, ये जो वैल्यू है ये आपको बताएगा कि इमेज जो है ये मैग्निफाइड है, डिमिनिश्ड नहीं हुआ, मैग्निफाइड हुआ, बड़ा हुआ है, ये मैग्निफाइड है, एनलार्ज्ड है। चलिए मैग्निफाइड के बदले अगर हम एनलार्ज्ड कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। एनलार्ज्ड है इमेज जो है, ये एनलार्ज्ड है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, डिमिनिश्ड नहीं है, एनलार्ज्ड है, बड़ा हुआ है इस समय। इसीलिए मैग्निफिकेशन का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है, इस केस में कितना है 2 है। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पर जैसे कि यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कहा गया 10 मीटर का है और इमेज डिस्टेंस वी जो है ये 6 मीटर का है, हमें मैग्निफिकेशन यहां पर पता करना है। साइन कन्वेंशन लगाएंगे सबसे पहले, जैसे कि ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा। आप यहां पर फॉर्मूला लगाए वी डिवाइडेड बाई यू, तो वी का वैल्यू पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर्स और यू का वैल्यू जो है ये निगेटिव 10 सेंटीमीटर नहीं, माफ कीजिएगा, मीटर है, नेगेटिव 10 मीटर। सो 6 डिवाइडेड बाय 10 और साइन इसका होगा नेगेटिव, और 6 डिवाइडेड बाय 10 इसी चीज को हम 0.6 भी कह सकते हैं इस तरह से। तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा हमें कि ये जो इमेज है ये इन्वर्टेड इमेज है, साथ ही साथ चूंकि इन्वर्टेड है इसीलिए रियल इमेज है, और साथ ही साथ यहां पर ये जो वैल्यू बता रहा है ये 1 से छोटा है, इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 0.6 1 से छोटा है, मतलब इमेज जो है ये डिमिनिश्ड है, इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज छोटा बन रहा है। कितना छोटा बन रहा है, 0.6 टाइम्स बन रहा है। ऑब्वियसली 0.6 टाइम्स आप कहेंगे इसका मतलब होगा कि 1 से छोटा है, मतलब वो छोटा बन रहा है। और साथ ही साथ यहां पर इमेज जो है ये हम कह सकते हैं चूंकि नेगेटिव साइन है तो ये बता रहा है कि ये रियल इमेज है, रियल उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, मतलब ये रियल इमेज है। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, इस केस में कॉनकेव लेंस का जो है एग्जांपल है। यहां पर आप देखिए यहां पर 3 मीटर इमेज डिस्टेंस वी इज इक्वल टू 3 मीटर्स का है, सो इसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये भी नेगेटिव हम कंसीडर करेंगे, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई यू, और आपको वैल्यू मिलेगा वी के लिए नेगेटिव 3 मीटर्स और यू के लिए नेगेटिव 5 मीटर्स।
तो यहां से मीटर मीटर कैंसिल कर दें, नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा पॉजिटिव। यहां पर भी ये 0.6 बन रहा है। सो ये पॉजिटिव साइन हमें क्या बता रहा है? ये पॉजिटिव साइन हमें बता रहा है कि ये इरेक्ट है, इमेज जो है इरेक्ट है, इमेज सीधा बन रहा है। देखिए इमेज सीधा बन रहा है, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है इमेज भी उसी डायरेक्शन में है। साथ ही साथ जैसे ही सीधा बना, आप समझ जाइए ये इमेज जो है ये वर्चुअल इमेज है, ये रियल इमेज नहीं है। रियल इमेज होता तो यहां पर नेगेटिव साइन आता। और ये जो वैल्यू है ये बता रहा है कि इमेज जो है ये डिमिनिश्ड है, छोटा हुआ है, इमेज इज डिमिनिश्ड। अब गौर से देखिए, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज उससे कम हाइट का है, तो जो इमेज है ये डिमिनिश्ड है क्योंकि मैग्निफिकेशन का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटा निकल के आया है, 0.6 निकल के आया है। अब हम लोग लेंस के पावर के बारे में बात करेंगे। आप अगर चश्मा पहनते हैं या फिर आप किसी को जानते हैं जो चश्मा पहनते हैं, तो फिर आपको ये पता होगा कि चश्मा का एक नंबर होता है। आपको इस तरह के नंबर मिलेंगे, +0.25 या +0.75, +1, +2, इस तरह के नंबर मिलेंगे। अगर चश्मा का नंबर पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस में उसका नंबर होता है, तो आप समझ जाइए जो वो चश्मा पहने हुए हैं उनको सामने की चीजें, बहुत करीब की चीजें देखने में दिक्कत होती है। और कभी कभार आप चश्मे का नंबर नेगेटिव में भी पाएंगे, -0.25, -5, -0.5, -1, -2.5, इस तरह के नंबर आप पाएंगे। तो ऐसे स्थिति में आप समझ जाइए कि जो चश्मा पहने हुए हैं उनको दूर की चीजें देखने में दिक्कत होती है। और साथ ही साथ ये भी आप जान जाइएगा कि जब चश्मे का नंबर पॉजिटिव होता है, इसका मतलब जो लेंस चश्मे में यूज किया गया है वो लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। और जब चश्मा का नंबर नेगेटिव होता है तो आप समझ जाइएगा कि जो लेंस वहां पर यूज किया गया है वो एक कॉनकेव लेंस है। बेसिकली बाइकॉनकेव या बाइकॉनवेक्स लेंस यूज नहीं किया जाता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेंस होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड उसका स्ट्रक्चर होता है, वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव और कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, इस तरह के लेंसेज यूज किया जाता है। लेकिन फंडामेंटल तौर पर यह कॉन्वेक्स लेंस होता है जब चश्मा का नंबर पॉजिटिव होता है, और जब चश्मा का नंबर नेगेटिव होता है तो वो कॉनकेव लेंस होता है। और जैसे ही ये चश्मा का नंबर काफी ज्यादा होता है तो आप उस समय ये देखेंगे कि जो ग्लास या लेंस वहां पर यूज किया गया चश्मे में वो काफी मोटा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? और साथ ही साथ ये जो नंबर्स है चश्मे का, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। ये जो नंबर्स है ये चश्मा का पावर होता है, या लेंस का, उस चश्मे में जो लेंस यूज किया गया उस लेंस का पावर होता है। एग्जैक्टली इस पावर को कैसे डिफाइन किया जाता है, इस पावर से हम क्या समझेंगे, चलिए यही हम देखेंगे। तो अब तक इस चैप्टर में हमने यही देखा है कि लेंस जो है बेसिकली दो तरह का होता है। एक तो होता है कॉन्वेक्स लेंस जिसका बीच का हिस्सा उभरा हुआ होता है, और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस जिसका कि बीच का हिस्सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसका प्रॉपर्टी यही है कि ये पैरेलल लाइट रेज को रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, अंदर की तरफ मोड़ता है। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहे लाइट रेज तो फिर रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से गुजरने के बाद, वो लाइट रेज एक पॉइंट से पार होता है जिस पॉइंट को उस लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। और लेंस का जो सेंटर होता है, इस सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है इसे उसका फोकल लेंथ कहा जाता है, जिसे कि स्मॉल लेटर एफ से डिनोट किया जाता है। अब देखिए यही लेंस, यही कॉन्वेक्स लेंस अगर पतला हो जाए तो फिर इसका जो कन्वर्जिंग पावर है ये कन्वर्जिंग पावर कम हो जाता है, ये कम कन्वर्ज कर पाता है, कम लाइट को मोड़ पाता है, जिससे कि उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। तो यहां पर आप अगर इन दोनों लेंसेज को कंपेयर करें और आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों लेंसेज में से किसका पावर, कन्वर्जिंग पावर, लाइट को मोड़ने का पावर किसका ज्यादा है, तो आप क्या जवाब देंगे? ऑब्वियसली आप ये कहेंगे कि ये जो लेंस है, ये जो मोटा लेंस है, इसमें कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है क्योंकि ये लाइट को ज्यादा मोड़ पा रहा है, जिसके कारण कि लाइट बहुत ही करीब कन्वर्ज हो जा रहा है, बहुत ही करीब ये कन्वर्ज हो रहा है, और यहां पर कन्वर्जेंस दूर में जाकर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ये जो पावर है, इस लेंस का पावर ज्यादा है और इस लेंस का पावर कम है।
तो फिर देखे पावर के साथ अगर आप उस लेंस के फोकल लेंथ का जो रिलेशन है उसे एसोसिएट करना चाहे तो आप बड़े आसानी से उसे एसोसिएट कर पाएंगे। आप गौर से देखे कि यहां पर इसका जो फोकल लेंथ है ये फोकल लेंथ कम है और इसका फोकल लेंथ ज्यादा है। और साथ ही साथ पावर की अगर बात करें तो जिसका फोकल लेंथ कम है उसका पावर ज्यादा है और जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है उसका पावर जो है वो कम है। इसका मतलब पावर के साथ हम अगर फोकल लेंथ का रिलेशन पता करना चाहें तो सबसे पहले तो देखें पावर अगर ज्यादा है मतलब पहले तो मैं कहूं फोकल लेंथ अगर कम है तो इसका मतलब पावर उसका ज्यादा है। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो उसका पावर उस लेंस का पावर कम है। तो यहां पर इन दोनों का एक रिलेशन हम आसान सा रिलेशन कुछ इस तरह का बना सकते हैं कि पावर को हम पी से डिनोट करते हैं। पावर यहां पर पावर मैकेनिकल पावर नहीं है, लेंस का पावर है, लेंस का ऑप्टिकल पावर है। तो ये जो पावर है इसके साथ फोकल लेंथ को हम कुछ इस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं कि पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है और पावर को लेंस के पावर को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। आप गौर से देखिए यहां पर डिनोमिनेटर जो है ये बड़ा होगा तो होल फ्रैक्शन छोटा होगा, ये एफ जितना बड़ा होगा फोकल लेंथ जितना बड़ा होगा ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो कि इसके पावर के बराबर है वो उतना छोटा होगा। दैट मीन कि जैसे ही फोकल लेंथ बढ़ेगा पावर घटेगा और फोकल लेंथ घटेगा तो पावर बढ़ेगा। तो ये है इन दोनों के बीच का रिलेशन और पावर को लेंस के पावर को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। अब अगर इस पावर के एसआई यूनिट की बात करें तो आप इसके फोकल लेंथ के एसआई यूनिट से ही आप इसका एसआई यूनिट पता कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि फोकल लेंथ एक लेंथ है, इसका मतलब इसका एसआई यूनिट मीटर होना चाहिए। तो जैसे ही फोकल लेंथ इसका यूनिट मीटर होगा और पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, दैट मीन पावर का जो एसआई यूनिट होगा ये होगा पर मीटर, 1 डिवाइडेड बाय मीटर, जिसे कि हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं पर मीटर। इसे एक नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है डायोप्टर, DIOPTRE डायोप्टर, और इसे कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। सो वन डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर। So 1 divided by meter is equal to diopter. अब एक छोटा सा इन दोनों के बीच के रिलेशन को बेहतर समझने के लिए एक छोटा सा हम इसके साथ एसोसिएटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम चलिए मान लेते हैं इसका जो फोकल लेंथ है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये जो फोकल लेंथ है इसका, चलिए इसे नाम दे देते हैं F1। ये फोकल लेंथ इसका लेट्स से कि इसका फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर्स। चूंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका जो फोकल लेंथ होगा ये पॉजिटिव होगा। हमारा कन्वेंशन क्या कहता है कि जो ऑप्टिकल सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में हम पॉजिटिव उसे कंसीडर करते हैं। जब भी हम किसी चीज को किसी पॉइंट को मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस में तो फिर हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं और राइट साइड में हम इसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ये हम सिंप्लीफाई करके इस तरह का साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। जो ओरिजिनल कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है वो थोड़ा अलग है, पर फिलहाल के लिए आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। तो यहां पर फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव 25 सेंटीमीटर्स है। तो यहां पर हम चाहते हैं कि इस लेंस का पावर कितना है ये हम पता करें। तो फिर हम कैसे पता करेंगे, लेट्स से इसका पावर जो है P1 है, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय इसका जो फोकल लेंथ होगा ये, तो फिर दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखें गौर करें कि पावर को हम इस तरह से पता करेंगे कि इसका यूनिट क्या होना चाहिए, डायोप्टर में आना चाहिए। एसआई यूनिट की अगर बात करें तो ये डायोप्टर में हम पता करेंगे इसका पावर। दैट मीन इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर की जगह 0.25 मीटर हम लिख सकते हैं क्योंकि 100 सेंटीमीटर में एक मीटर होता है। तो फिर यहां से देखें 0.25 × 4 इज इक्वल टू 1, सो ये हो गया 4.25 × 4 इज इक्वल टू 1, और ये जो 1 डिवाइडेड बाय मीटर है इसी को हम डायोप्टर कह सकते हैं। सो इसका जो पावर होगा, इस लेंस का जो पावर होगा, इसका पावर होगा 4 डायोप्टर, और साथ ही साथ ये पॉजिटिव होगा।
पॉजिटिव 4 डायोप्टर। तो हमने जो शुरू में ही बात किया था कि जब चश्मे का नंबर पॉजिटिव होता है, इसका मतलब वो जो लेंस यूज किया जाता है वो लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो अभी आप समझ पा रहे होंगे ऐसा क्यों होता है। वो जो नंबर है, मान ले चश्मे का नंबर 4 डायोप्टर है, किसी का पॉजिटिव 4 डायोप्टर प्लस 4 है, तो इसका मतलब ये प्लस 4 डायोप्टर है। और इसका मतलब यही होगा कि जो लेंस वहां पर यूज किया गया उसका फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव 25 सेंटीमीटर। पॉजिटिव का मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, यहां पर इस लेंस का हम मान लेते हैं कि फोकल लेंथ F2 और इसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, यह भी पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। इसका पावर हम पता करना चाहते हैं P2, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय F2, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय प्लस 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को हम ये कह सकते हैं कि 0.5 मीटर। तो 0.5 × 2 इज इक्वल टू 1 और 1 डिवाइडेड बाय मीटर इज डायोप्टर। तो इसका ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसका इस लेंस का जो जो पावर होगा ये 2 डायोप्टर होगा। तो किसी का चश्मे का नंबर अगर +2 है तो आप समझ जाइए कि वहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया है उस चश्मे में, जिसका की फोकल लेंथ +50 सेंटीमीटर है या 50 सेंटीमीटर है। प्लस मतलब ही समझ में आ जाता है कि वो कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये तो कॉन्वेक्स लेंस की हम लोगों ने बात किया। अब देखिए कॉनकेव लेंस में जो प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होता है कॉनकेव लेंस का, वो ये होता है कि वो लाइट रेज को बाहर की तरफ निकालता है, मतलब डाइवर्ज करता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रेज लेंस से, कॉनकेव लेंस से पार हो तो वो डाइवर्ज करता है, बाहर की तरफ निकलता है। इस तरह से निकलता है मानो ऐसा लगता है कि वो किसी एक पॉइंट से, किसी एक खास पॉइंट से बाहर निकला हो, सारे लाइट रेज एक खास पॉइंट से बाहर निकला हो। उस पॉइंट को उसका प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। और ऑब्वियसली उसका जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक के डिस्टेंस को हम उसका फोकल लेंथ कहते हैं। यहां पर देखें हम जो फोकल लेंथ को मेजर कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से बाई तरफ हम मेजर कर रहे हैं, इसीलिए इसका फोकल लेंथ निगेटिव कंसिडर किया जाता है। अब अगर ये लेंस पतला हो जाए तो आप देखें इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा मतलब क्या हो रहा है, इसका जो डाइवर्जिंग एबिलिटी है या डाइवर्जिंग पावर है वो पावर इसका कम हो रहा है, इसीलिए इसीलिए फोकल लेंथ इसका बढ़ रहा है। अब अगर इन दोनों को आप कंपेयर करें, इन दोनों लेंसेज को, मोटा लेंस और पतला लेंस, तो आप ये पाएंगे कि इसका पावर, ऑब्वियसली इसका पावर जो है लेट्स से P1 ये ज्यादा होगा और इसका पावर जो है लेट्स से P2 इसका पावर कम होगा। क्योंकि क्योंकि फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ जो है F1 ये फोकल लेंथ कम है और इसका जो फोकल लेंथ है F2 इसका फोकल लेंथ जो है ये फोकल लेंथ ज्यादा है। अब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं यहां पर, कैसे इसका पावर, इस तरह के लेंसेज का पावर नेगेटिव होता है। इसी को समझने के लिए मैं एक ही एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं यहां पर। लेट्स से कि इसका, इस कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर्स का, 25 सेंटीमीटर्स का फोकल लेंथ है इसका। चूंकि ये कॉनकेव लेंस है और हम जो मेजर कर रहे हैं फोकल लेंथ को ऑप्टिकल सेंटर से वो बाई तरफ हम मेजर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। नेगेटिव 25 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है। हम पता करना चाहते हैं इसका पावर। सो इस लेंस का पावर, इस लेंस का पावर दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई इसका फोकल लेंथ, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई नेगेटिव 25 सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि हम फाइनल आंसर डायोप्टर में चाहते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय -0.25 सेंटीमीटर। और यहां पर ये नेगेटिव, माफ कीजिएगा, ये मीटर, 0.25 मीटर। यहां पर नेगेटिव साइन मैंने यहां पर लिखा और 0.25 × 4 इज इक्वल टू 1, 1 डिवाइडेड बाय मीटर इज डायोप्टर। तो देखे जो अगर अगर आप के किसी दोस्त का या जानने वाले का चश्मे का नंबर -4 है, इसका मतलब वो जो लेंस यूज किया गया उसका पावर -4 डायोप्टर है। इसलिए हम लोगों ने शुरू में ही जो बात किया था कि अगर किसी का चश्मे का नंबर नेगेटिव हो, माइनस हो, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि वहां पर जो लेंस यूज किया गया है वो लेंस जो है वो कॉनकेव लेंस है। अब देखिए मान ले कि अगर आपके किसी दोस्त का चश्मे का नंबर, लेट्स से चश्मे का नंबर -5 है, -5, तो आप इससे क्या समझेंगे?
आपको इससे यही समझना होगा कि उस लेंस का, जो लेंस यहां पर यूज किया गया, उस लेंस का पावर जो है वो नेगेटिव 5 डायोप्टर है। इससे और क्या क्या मतलब आप निकाल सकते हैं? इससे आप ये मतलब निकाल सकते हैं कि इसका जो फोकल लेंथ होगा, क्योंकि पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ, तो इसी से कह सकते हैं फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई पावर। तो फिर हम कह सकते हैं यहां पर जो लेंस यूज किया गया जिसके चश्मे का नंबर नेगेटिव 5 है, उस लेंस का फोकल लेंथ होगा 1 डिवाइडेड बाई इसका पावर, मतलब नेगेटिव 5 डायोप्टर को हम पर मीटर कह सकते हैं। नेगेटिव 5 डायोप्टर इज इक्वल टू नेगेटिव 5 डायोप्टर के जगह पर मीटर, वही हम लोगों ने यहां पर लिखा। अब देखिए ये नेगेटिव 5 1 डिवाइडेड बाई नेगेटिव 5, तो नेगेटिव साइन मैं यहां पर लिख रहा हूं, और 1 डिवाइडेड बाई 5.2, और डिनोमिनेटर में पर मीटर है, तो ये न्यूमेरेटर में अगर जाएगा तो मीटर हो जाएगा, तो मीटर हम इसे नेगेटिव 20 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो यहां पर जो लेंस यूज किया गया जिसके चश्मे का नंबर नेगेटिव 5 है, जो लेंस यूज किया गया उस लेंस का फोकल लेंथ होगा 20 सेंटीमीटर, और ये नेगेटिव साइन बताएगा कि वहां पर कॉनकेव लेंस यूज किया गया है। अब देखिए अगर बहुत सारे लेंसेस, लेट अस से ये एक लेंस है जिसका कि यहां से लेके यहां तक ये हो गया फोकल लेंथ, अगर बहुत सारे लेंसेज एक के बाद एक रहे तो फिर टोटल पावर, वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा लेंसेज का, जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसका टोटल पावर कितना होगा, ये हम कैसे पता करते हैं? तो यहां पर एक सिंपल सा रूल है, लेट अस से कि पहला लेंस जो है इसका पावर P1 है, दूसरा लेंस का पावर P2 है, तो टोटल पावर कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा, टोटल पावर लेट अस से P, ये इनका एल्जेब्रिक एडिशन होगा, जो सिंपल सम होता है P1 + P2। अगर तीसरा लेंस भी यहां रहता है जिसका पावर P3 होता, तो जो कॉम्बिनेशन होता लेंसेज का, उसका जो नेट पावर होता, टोटल पावर होता, वो होता P1 + P2 + P3। इस तरह से जो नेट पावर है बहुत सारे लेंसेज का कॉम्बिनेशन का, वो नेट पावर पता किया जाता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां से हम कंसिडर करते हैं, लेट अस से कि यहां पर ये जो पहला लेंस है, पहला लेंस का फोकल लेंथ जो है, लेट अस से F1, पहला लेंस का फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर का, दूसरा लेंस का जो फोकल लेंथ है लेट अस से ये 25 सेंटीमीटर का है। हमें यह पता करना है ये जो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है इसका फोकल लेंथ कितना होगा। इसका जो फोकल लेंथ पता किया जाएगा, ये जो इसका फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस, वो इन दोनों लेंसेज का जो कॉम्बिनेशन है उसके बिल्कुल सेंटर से लिया जाता है, और ये थिन लेंसेज के लिए एप्लीकेबल होता है। जो भी फॉर्मूला हम देखते हैं वो पतले लेंसेज के लिए एप्लीकेबल होता है, बहुत मोटे लेंसेज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, पतले लेंसेज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहां पर हमें ये पता करना होगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना होगा, जो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना होगा। तो कैसे हम पता करेंगे? सबसे पहले तो हमें पावर पता करना होगा, इस लेंस का पावर कितना है और इस लेंस का पावर कितना है, फिर हमें पावर्स को जोड़ना होगा, तो हमें नेट पावर मिलेगा, कॉम्बिनेशन का पावर मिलेगा, फिर कॉम्बिनेशन का जो पावर हमें मिलेगा वहां से हम कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ पता कर सकते हैं। तो यहां से आप देखें, हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो यहां से हम कह सकते हैं कि पावर चूंकि 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ होता है, P1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई F1, तो यहां से हम कह सकते हैं ये होगा 1 डिवाइडेड बाई प्लस 50 सेंटीमीटर को 0.5 मीटर कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू प्लस 2 डायोप्टर। सो प्लस 2 डायोप्टर, इसी तरह से आप यहां पर प्लस 4 डायोप्टर पाएंगे, प्लस 4 डायोप्टर, तो नेट पावर जो होगा, टोटल पावर जो होगा, ये 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर प्लस 4 डायोप्टर, दैट इज इक्वल टू प्लस 6 डायोप्टर होगा। तो पावर हमने पता लगा लिया प्लस 6 डायोप्टर। अब यहां पर इसका फोकल लेंथ, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ हम कैसे पता करेंगे? हमें पता है कि ये कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होगा 1 डिवाइडेड बाय कॉम्बिनेशन का पावर। अब यहां से देखें, ये होगा 1 डिवाइडेड बाय प्लस 6 डायोप्टर, डायोप्टर को पर मीटर हम कह सकते हैं,
अब यहां से देखें, ये 1 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव 1 डिवाइडेड बाय 6 मीटर होगा, पर मीटर न्यूमरेटर में जाएगा तो मीटर हो जाएगा। और इसी को हम कह सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 6 मीटर को, ये 1 मीटर जो है इसे 100 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। वैसे आप अगर इतना भी कह दें कि प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 मीटर, इसी से काम चल जाएगा। अगर हम थोड़ा सा इस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, देखें, दैट इज इक्वल टू प्लस 50 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर, एंड दैट इज इक्वल टू प्लस 16.67 इतना सेंटीमीटर। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होगा 16.67 सेंटीमीटर, और ये प्लस होगा, दैट मीन पॉजिटिव होगा।